के दो शेयर परचेस करने हैं जो सबसे ज्यादा गिरे हुए हैं। तो आपने देखा कोई चीज 400 रुपए की थी और अभी 300 की दिख रही है, आपने कहा ये लो, तीन तीन शेयर आ रहे हैं, डाले रख दिए। अगर 15 रुपए का शेयर है तो आपने कहा 50 ले लो, 750 के हो गए। 400 रुपए का शेयर है तो आपने कहा 2 ले लो, 800 रुपए के हो गए, 800, 700, 1500, यह हो गया काम खत्म। आज आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो एक खरीदी 700-800 की अभी कर ली और 15 दिन बाद एक खरीदी 700-800 की बाद में कर ली। पूरी तरह फ्री हैं आप, कोई टेंशन नहीं है। आपको चाहिए 1 महीने का 1 मिनट और आप करोड़पति बन सकते हैं। तो आपको पता लगा कि अभी टाटा मोटर गिरा हुआ है, आपने टाटा मोटर ले लिया, ऑटो सेक्टर हो गया। अब अगले महीने ऑटो सेक्टर नहीं, अगले महीने हमने देखा कि टाटा मोटर भी गिरा हुआ है, वो तो हम ले चुके हैं। अब DLF गिरा हुआ है जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का है, तो आपने DLF ले लिया। फिर आपको पता लगा कि ONGC गिरा हुआ है ऑयल सेक्टर का, अगले महीने ऑयल सेक्टर ले लिया। तो क्या होने वाला है, 12 महीने में आपके पास पूरे 12 से 15 सेक्टर के 20 स्टॉक्स हाथ में आ जाएंगे। आप उसमें से 70% तो आप बड़े बड़े शेयर ले लो जो बहुत कम गिरते हैं और बढ़ते भी अच्छे हैं, ठीक ठाक है, हमेशा ही वो ग्रो करेंगे। और आप 30% मिड कैप ले सकते हैं, निफ्टी मिड कैप या जूनियर निफ्टी में से। जूनियर निफ्टी में से आप लेंगे तो वहाँ आपको 20 रुपये से लेके 50-60 रुपये की कीमत में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज जो पहले 400 की थी लेकिन अभी 40 रुपये या 50 रुपये भाव चल रहा है, आप उनको उठाते जाइए। इसमें आपको बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन चूंकि आप नए निवेशक हैं, अभी आपको 10 रुपये के 9 रुपये देखने की आदत नहीं है, 10 का 6 रुपये देख के आप घबरा जाएंगे, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि 70% आप बड़े शेयर में लगाइए ताकि आपको 10 का 9 देखने की नौबत कम से कम आए। अब ये जो अलग अलग सेक्टर के आपने शेयर परचेस करके रखे हैं, इससे ये फायदा है कि कभी भी आपको आपके टोटल में नुकसान न के बराबर ही दिखने वाला है। क्योंकि स्टॉक मार्केट की बड़ी से बड़ी मंदी में हमने ये देखा है कि अगर आपके पास 20 शेयर हैं उसमें से अगर 15 गिर रहे हैं तो 5 शेयर बढ़ रहे हैं, और 15 मिल के गिरे हैं 30%, तो 5 शेयर 10-10% करके 50% बढ़े हैं। तो इस तरीके से आपकी कैपिटल अगर हमेशा सेफ रहती है तो आप कभी भी घबराते नहीं हैं। दूसरा, आप दूसरा कोई निवेश करते हैं, अगर FD की इंश्योरेंस लिया तो 9 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए आप पैसा भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, और आपको कोई बता भी नहीं रहा है कि अभी हुआ क्या है, और आगे आप उसको भुनाने के लिए भी बहुत आज़ाद नहीं है, लेकिन दरवाज़ा बंद है इसलिए आप बीच बीच में उसमें दखल नहीं करते। तो यहाँ भी ये जो प्लान मैं बता रहा हूँ, इसमें बगैर ज़रूरत अगर आपने इसमें दखल नहीं दिया तो आज अपने 3 साल के बच्चे को एक माँ जब 27 साल में उसकी शादी होगी तो कम से कम 3 कार अपनी तरफ से पर्सनल गिफ्ट कर पाएगी, इतनी इतना पैसा पैदा हो सकता है। मतलब आप जो आपके घर खर्च में 10 रुपया बचा लें सिर्फ सब्जी में से बच सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप उस बच्चे को 1 करोड़ रुपए तक दे सकते हैं। लेकिन अभी आपका सवाल क्या है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि ऐसा हो गई, मैं आपसे ये कहूंगा कि खा पी के खत्म कर लो और फिर बताओ क्या होने वाला है। एक सपने की कीमत, आपने ऐसा कर दिया तो क्या चला गया, क्यों वो तो पहले ही 0 था अमाउंट। मैंने आपकी वेस्टेज में से पैसे बचाने को क्यों कहा। कोई अगर हमसे ये कहता है कि हमारी अर्निंग अच्छी है, हमसे हिसाब नहीं रखा जाएगा। आप तो बस ये बताइए कि 5000 रुपये महीने का माल खरीदना है क्या, तो मैं उससे कहूंगा कि आप वो 5000 रुपये अलग से लगा सकते हो, एक अलग बात है, लेकिन ये आपके वेस्टेज में से बचा हुआ जो पैसा है इसकी अपनी अलग ताकत है। ये 0 से बना है, ये पहले ही खत्म हो रहा था, 0 था, 0 से आपने इसको बनाया और ये फिर 0 हो जाए तो आपको कोई डर नहीं। और ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक 150 सालों के इतिहास में कि स्टॉक मार्केट में कभी पैसा 0 हुआ। 0 जैसा हुआ है, लेकिन जिसने भी उस दौर से गुजर के हिम्मत रखी उसको इतना पैसा मिला कि उसके आगे पूरी पीढ़ी को काम करने की ज़रूरत नहीं बची। तो ऐसा हर एक चीज़ में होता है, ज़मीन में भी ऐसा ही होता है, सोना चांदी में भी ऐसा ही होता है, हर जगह हर बिजनेस में ऐसा होता है। उतार चढ़ाव की जिस चीज़ को आप परेशानी समझते हैं वो आपकी ज़िंदगी में इतना रोमांच पैदा करता है, आपकी व्यक्तित्व में इतना ताकत पैदा करता है कि आपको लगता है कि आप जिंदा हो। नहीं तो इंसान सुरक्षा के जाल में कभी कभी मर चुका होता है अंदर से, बस वो ज़िंदा दिखाई देता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि आपने हर तरह के सेक्टर के शेयर खरीदे, इसको कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन।
डाइवर्सिफिकेशन मतलब विविधीकरण, आपके पास वैरायटी है, इसलिए अगर 10 में से 6 सेक्टर नीचे जाएंगे तो बाकी 4 सेक्टर आके उसके नुकसान की भरपाई करते रहेंगे। दूसरी चीज़ है, टुकड़े टुकड़े में आप जो बाय कर रहे हैं शेयर्स को, तो वो खौफ खत्म हो गया कि मैंने 800 रुपये का शेयर 400 में खरीदा और अब वो 200 का ही रह गया, क्योंकि 400 में आपने 2 शेयर खरीदे थे और जब 200 हो गया तो आपने वहाँ पे 3 खरीदे, और अगर 50 रुपये हो जाएगा तो वहाँ 5 शेयर आगे खरीदेंगे जब उसकी बारी आएगी। तो क्या प्राइस है वो आपका टेंशन नहीं है, उसकी वजह से कॉस्ट एवरेजिंग इतनी अच्छी होती है कि 1000 रुपये का एक शेयर आपने खरीदा, फिर वो 500 हो गया, आपने 2 शेयर खरीदे, फिर वो 100 हो गया, आपने 5 शेयर खरीदे, फिर वो 50 हो गया, आपने 10 शेयर खरीदे। तो जब आप इन सब के टोटल प्राइस और टोटल क्वांटिटी को प्लस करके और एवरेज प्राइस निकालने जाएंगे तो आपको शायद लगे कि 1000 और 50 का एवरेज 550 आना चाहिए, लेकिन आप कागज पेन लेके कैलकुलेट करने बैठिए वो एवरेज आएगा 120 रुपीज़। और बाजार की पहली जो तेजी की लहर आएगी उसी में ये 50 रुपये का शेयर 150 रुपये हो जाएगा, वहाँ से आप FD से दोगुना फायदा कमाना शुरू कर देंगे, और जब बाजार अपने पिक पे पहुँचेगा तो वो शेयर हाई बनाएगा 1500 रुपये का, और आपकी जो परचेसिंग प्राइस है वो दिखेगी आपको 150-200 रुपये के बीच में, और आपको 8 साल में जब पैसा 15 से 20 गुना हो जाएगा तो उसके अगले 8 साल में उसी गति से वो पैसा 200 गुना हो जाएगा। तो वेल्थ ऐसे क्रिएट की जाती है, ये प्योर मैथ्स है, इसमें आपकी इमोशन का, आपके डर का जितना भी दखल है वो आपको पीछे ही हटाता है। वो डर, वो इमोशन का इस्तेमाल हमने कहाँ किया, एक सही सिस्टम बनाने में। इतना मत डरिए कि चलना ही रुक जाए, और डर ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए कि आप आग पे दौड़ने लग जाएं। हाईवे में आँख मूंद के आँख पे पट्टी बांध के दौड़ रहे हैं तो वो आत्महत्या है। डर इतना होना चाहिए कि जो आपको हर तरह के सेफ्टी मेजर्स रखने के लिए तैयार कर दे। तो इस फुल प्रूफ प्लान में जो बात मैंने आपसे कही थी, सबसे पहले आपने अपना वेस्टेज बचाया, फिर महीने के सबसे गिरावट वाले दिन में जब चारों तरफ तबाही मची है, ट्रेडर रो रहे हैं, उस दिन इन्वेस्टर जाएगा और अपना आराम से 1000 या 1500 रुपये का माल परचेस करेगा और रख के भूल जाएगा। आपकी लिस्ट हो जाएगी 50 शेयर्स की, कोई परेशानी नहीं है, आपको उस लिस्ट को बार बार देखना नहीं है, उसके रेट देखना नहीं है, वो आपके पास एक इस तरह की बैंक है जो कभी भी आपकी किस्मत को बदलने वाली है। बीच में आपको ज़रूरत पड़ गई तो आपके पास अगर 50,000 का पोर्टफोलियो तैयार है, पोर्टफोलियो मतलब आपके निवेश के स्टॉक्स की सूची और उनका वैल्यू, 50,000 का पोर्टफोलियो तैयार है और आपको 15,000 की ज़रूरत पड़ी तो आप उसमें से 15,000 का माल बेच दीजिए, अपना चेक लेके काम चलाइए, और फिर अपने रेगुलर सेविंग को तो चलने ही दीजिए। ये एक आदत है जो पैसा बनाती है। इन्वेस्टमेंट के 2 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है आज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू करें और दूसरा रेगुलर करते रहें। बड़ा से बड़ा 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये महीने के इन्वेस्टमेंट की बराबरी कभी नहीं कर सकता। 1,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट जितना पैसा आपके लिए बना सकता है, और वो जितना आसान है उतना और कोई इन्वेस्टमेंट आसान भी नहीं है। हाँ, तो खर्च अलग अलग तरह के होते हैं, एक होता है नेसेसिटी और एक होता है लग्जरी। लग्जरी कब नेसेसिटी बन जाती है पता भी नहीं चलता। आज से 15 साल पहले लोगों के घर में एक लैंडलाइन फ़ोन नहीं होता था, और आज ये हालत है कि हर मेंबर की जेब में 2-2 मोबाइल फ़ोन्स हो सकते हैं। अब वो लग्जरी नेसेसिटी बन गई धीरे से, और धीरे धीरे आपके हाथ तंग होते जा रहे हैं। इंसान उन परंपराओं में उलझता जा रहा है और उसको लग रहा है कि 1,00,000 रुपया महीना अगर उसके पास नहीं होगा तो वो कैसे घर चलाएगा। तो जब बारिश होती है तो उसमें से 90% तो बह के निकल जाती है, लेकिन 10% बूंद बूंद करके जो ज़मीन में उतरती है उससे साल भर हम लोग पानी पीते हैं। ऐसा ही निवेश के मामले में, कि जो भी बारिश हो रही है, जो पैसा आप कमा रहे हैं मंथली, वो बारिश है, बाढ़ की तरह आएगा, बह के चला जाएगा, लेकिन जो बूंद बूंद करके आप बचा रहे हैं वही आपका भविष्य है, और उसी पे आपकी उपलब्धियां गिनी जाने वाली है कि आपने आखिर 50 सालों में क्या किया। तो अब मैं कैलकुलेशन बताता हूँ कि अगर ये 8,00,000 रुपये का बेसिक इन्वेस्टमेंट सिर्फ 18% के रेट से बढ़े, क्योंकि पिछले 30 सालों में FD का एवरेज रिटर्न था 9%, 9.5%, गोल्ड का था 10.4% और इक्विटी का था 19 से 21% के बीच में, तो 18% का रिटर्न हम लोग पकड़ के चलें,
तो 4 साल में पैसा डबल होता है। 8 लाख रुपया 4 साल में डबल हुआ, 16 लाख, उसके अगले 4 साल में 32 लाख, फिर 64 लैक्स, फिर 1.28 करोड़ और फिर 2.56 करोड़। ये बिल्कुल पॉसिबल है, 2.5 करोड़ रुपया बन सकता है 20 से 25 सालों के अंदर। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए, ये प्रोसेस आपने शुरू किया, 20 साल आप इस प्रोसेस में लगे रहे, और अगर आपको ये 2.5 करोड़ नहीं मिलके 50 लाख भी मिलते हैं तो आप मुझे थैंक यू बोलने आएंगे या शिकायत करने आएंगे? तो संदेह में कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है विश्वास में। विश्वास आप दूसरों के ऊपर नहीं करते, विश्वास करते हैं अपनी बुद्धि अपने विवेक पे। तो आप किसी पे विश्वास मत कीजिए, आप कैलकुलेट कीजिए, जो चीज़ें मैंने कही है इसको जांचिए परखिए, सो सवाल कीजिए, और अगर सही लगता है तो चल दीजिए करोड़पति बनने के रास्ते पे। बेस्ट ऑफ लक।